रश्मि, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं रिव्यू करूंगी निविया व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन रोल ऑन डिओड्रेंट के लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का रिव्यू है निविया व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन रोल ऑन डिओड्रेंट का रिव्यू। गाइज, दो टाइप्स के डिओड्रेंट यूजली हमें मिलते हैं, एक होता है स्प्रे डिओड्रेंट, एक होता है रोल ऑन डिओड्रेंट। ये है रोल ऑन डिओड्रेंट और ये हमें मिलता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, लाइक दिस। ये ग्लास बॉटल पैकेजिंग है और बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, बहुत ही स्मॉल सी क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। ये ग्लास बोतल है बट ये इजीली ब्रेकेबल नहीं है। अगर ये नीचे गिर जाता है तो इसके टूटने का कोई भी डर नहीं है। ये एक अच्छा खासा मोटा इसका जो ग्लास है वो है। गाइज, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये आपको मिल जाता है 50 ml क्वांटिटी में एंड 185 रुपीज़ का, काफ़ी अफोर्डेबल है। ये आपको 50 ml 185 रुपीज़ का मिल जाता है और इस पर कोई ना कोई डिस्काउंट रहता ही है। इसको मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी वहाँ पर। और गाइज, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी 3 ईयर्स होती है, बहुत अच्छी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है। और गाइज, ये आराम से चलता है आपका 1.5 मंथ to 2 मंथ्स ईजिली आपका चल जाएगा अगर आप इसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। ये क्लेम करता है कि ये हमें देता है 48 आवर प्रोटेक्शन। ये है 0% एल्कोहल से बना हुआ, ये बना हुआ है मोलेटी एक्सट्रैक्ट से। इवन टोन्ड अंडर आर्म्स ये करता है, हमारी जो अंडर आर्म्स होती हैं उनको इवन टोन करता है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, मैं जो यूज़ करती हूँ वो है वाइटनिंग स्मूथ स्किन। तो गाइज, इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सबके प्राइसेस भी सेम ही रहते हैं। इसको हम कुछ यहाँ से ओपन करते हैं। ये इसका जो कवर है वो वाइट कलर का कवर होता है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, इजीली ब्रेकेबल नहीं है। ये देखिए, यहाँ से ये जो फ्लूड होता है इसका, जो जहाँ से हमें फ्लूड मिलता है, फ्रेग्रेंस मिलती है, जो डियो मिलता है वो यहाँ से आता है। फिर इसे हमें रब करना होता है अपने अंडर आर्म एरिया में या फिर पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर भी आप डियो यूज़ करते हैं, लाइक दिस। ये कुछ ऐसा आप देख रहे होंगे, ये कुछ एक क्रीमिश टेक्सचर का एक फ्लूड जैसा आता है। गाइज, आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि जब भी आप इसे अप्लाई करें अपने अंडर आर्म्स में तो एटलीस्ट आप 30 सेकेंड्स या 30 to 50 सेकेंड्स आप रुक जाइए, क्योंकि इसको थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगता है। देन ही आपको अपनी ड्रेस को पुट ऑन करिएगा, अदरवाइज़ आपकी जो ड्रेस है उस पर ये लग जाएगा और थोड़ा सा वेट वेट हो जाएगा। तो इसको लगाने के बाद आप थोड़ा सा रुक जाइए, देन ये अच्छे से आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा। एंड फॉर लॉन्ग आवर्स आपको ये देगा बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी स्मेल, बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी फ्रेग्रेंस। इसकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी है और रियली ये लॉन्ग आवर्स तक रहती है। इन्होंने बोला है कि ये 48 आवर का प्रोटेक्शन देता है, 48 आवर्स की फ्रेग्रेंस रहती है, लेकिन 48 आवर्स की नहीं, एटलीस्ट 24 आवर की आवर्स की आपकी फ्रेग्रेंस रहती ही रहती है। आपको फील होगा अच्छा जब इसे आप लगा लेंगे और नेक्स्ट डे तक आपको इसका लगेगा कुछ इसका फ्रेग्रेंस रह रहा है। आपके आपने जो ड्रेस पहनी होगी उसमें भी इसका अच्छा अच्छा खासा फ्रेग्रेंस मिल जाएगा जब स्मेल करेंगे। तो गाइज, ये जो क्लेम करता है कि ये वाइटनिंग स्मूथ स्किन देता है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मेडिकल प्रोडक्ट है, ये आपकी अंडर आर्म्स को वाइटनिंग कर देगा। एक्चुअली अंडर आर्म्स की वाइटनिंग के लिए आपको डेली अपनी अंडर आर्म्स का ध्यान रखना होता है। प्लस ये आपकी स्किन में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है तो ये आपकी स्किन को डार्कन नहीं करेगा, डार्कनिंग की प्रॉब्लम नहीं करेगा अंडर आर्म्स की। आप इजीली इसे लगा सकते हैं, कंफर्टेबल है, आपकी स्किन के लिए स्किन फ्रेंडली है क्योंकि ये 0% एल्कोहल से बना हुआ है। जब भी आप कोई डिओड्रेंट यूज़ करें या फिर परचेस करने जाएं तो वो अल्कोहल फ्री हो तो वो बहुत अच्छे हैं, आप उन्हीं को ऑप्ट करा करिए। तो ये जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं डिओड्रेंट की उन पर खरा उतरता है, अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, इसमें अल्कोहल भी नहीं है और प्लस ये अफोर्डेबल भी है। ये 185 रुपीज़ का आपको मिल जाता है 50 ml, तो ये काफ़ी अच्छी डील है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद है, मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा तो ये बहुत ही पर्सनल फेवरेट रोल ऑन डियो है। पहले मैं स्प्रे वाले डियो यूज़ करती थी, लेकिन मुझे जब से मैंने ये यूज़ किया है मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसे लेंगे तो एक बार इसे आप परचेस करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम इसे रीपर्चेस ज़रूर करेंगे।
तो गाइज, अगर इस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हिट द बेल बटन आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशंस। थैंक यू।